भाई बहन के पवित्र रिश्ते को हम कई स्वरूपों में देखते हैं और रक्षाबंधन को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन उसके बाद दीपावली के दूसरे दिन यम द्वितीया का पर्व भी होता है। कहा जाता है कि इसके पीछे एक प्राचीन कहानी जुड़ी हुई है। आज ही के दिन बहन यमुना के यमराज गए थे और अपनी बहन यमुना के पहुँचने पर बहन बहुत खुश हुई और उनका इतना आदर सत्कार किया कि वो काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहन को ये आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई का आदर सत्कार करेगी, उसे अच्छे व्यंजन खिलाएगी, तो मैं ऐसे भाइयों को यमलोक नहीं ले जाऊंगा। और तब से यह मान्यता चली जा रही है। कहा जाता है कि कोई भी बहन यह नहीं चाहती कि उसका भाई गरीब हो, दरिद्र हो, आयु कम हो। वो सभी चाहती है कि उसका भाई धनवान हो, उसकी आयु अच्छी रहे, ताकि वो हमारी हमेशा मदद करती रहे। यही वजह है कि जो ये आज पूजा हो रही है, ये अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए, उनके धन धान्य के लिए, ये सारी महिलाएं यहाँ बैठकर पूजा अर्चना कर रही है। इसलिए कर रही है कि आज ही के दिन यमराज भी अपने बहन यमुना के यहाँ गए थे और काफ़ी प्रसन्न हुए थे। इसको हम गोवर्धन पूजा के रूप में भी देखते हैं, जहाँ महिलाएँ तमाम तरह से चित्र बनाती हैं, चंद्रमा, सूरज, घाट, भाटी, अनेक प्रकार की चीज़ों की पूजा करती हैं। और एक देखिए रूही की लंबी आयु भी बनाई जा रही। कहा जाता है कि जितनी लंबी आयु होती है भाई का उम्र उतना ज़्यादा होता है, तो महिलाएं इस पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। तब तक सुबह से जब तक ये पूजा नहीं कर लेती, अन्न का एक दाना भी नहीं खाती हैं। तो भाइयों का जो भाइयों के प्रति बहनों का प्रेम है, वो इस पूजा के जरिए हमें नज़र आता है। आइए कुछ महिलाओं से जानते हैं वो इस पूजा को किस तरह करती हैं। जी, क्या नाम है आपका? बुन्नी देवी। क्या कर रही हैं आज? भाई के लिए पूजा कर रही हैं। तो पूजा कैसे करती हैं, कैसे, क्या क्या आप इसमें चढ़ाती हैं, कैसे पूजा करती हैं? इसमें माला चढ़ता है, पान चढ़ता है, दूध चढ़ता है, गंगा जल चढ़ता है और मीठा चढ़ता है, लाई है वो चढ़ता है, दीप जलाया जाता है, धूपम जलाया जाता है। तो कैसे आपने इस पूजा के बारे में जानकारी हुई? आप पहले कब से कर रही हैं? बहुत साल पहले से कर रहे हैं, जब से भाई दूज हुआ तब से कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको भी कोई बताया होगा इसको करने के लिए? अरे भाई हो गए तो फिर भाई दूज मनाने गए तो भाई की पूजा करने लगे। इसमें किसका किसका चित्र बनाते हैं आप लोग? भाट भाटिन का होता है, गंगा जी का होता है और गणेश जी का होता है, सूरज का होता है, नाग नागिन का होता है। इन लोगों की पूजा होती है। और मूसर किसको मारती हैं? मूसर नहीं, अरे भाटिन के ना, वो छोकल जला भाटिन के। अच्छा, जीप पे कांटे लगाने की भी परंपरा है, कांटे क्यों चुभाते हैं जीप पे? भाई के लंबी आयु के लिए। हाँ, पहले उसको श्रापित करती है, भाई खाओ, भाई खाओ, भाई के लंबी आयु के लिए, फिर कांटा चुभा कर प्रायश्चित करती है। अटूट प्रेम को दर्शाता यह भैया दूज का पर्व कार्यक्रम यहाँ पर देखिए संचालित हो रहा है। महिलाएं पूरी अपने भगवानों के साथ भगवान की पूजा कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं और अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए, उनके धन धान्य के लिए हर वर्ष दीपावली के दूसरे दिन इस पूजा का आयोजन होता है। द न्यूज़ के माध्यम से हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और लगातार ऐसी धार्मिक चीज़ों को द न्यूज़ हर रूप में आपको दिखाता रहेगा, उसके बारे में बताता रहेगा, उसकी प्राथमिकता के बारे में आपको बताएगा और उसके पीछे की जो मान्यता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए।